and welcome back to my YouTube channel. This is Abhipsha. So if you are new here, then please take some moment to subscribe to my channel and yes, hit that bell icon also. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से प्रॉपरली हेयर ऑयलिंग कर सकते हो. आई मीन माई हेयर ऑयलिंग रूटीन, मैं क्या क्या करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. किस तरह से प्रॉपरली आपको आपके हेयर में ऑयल आप अप्लाई कर सकते हो, दैट टू जैसे कि आपको ऑयल की जो सारे बेनिफिट्स हैं वो मिल जाएं एक साथ. क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना ऑयल ठीक से प्रॉपरली अप्लाई करना नहीं आता. वो लोग कहीं पे भी अप्लाई कर लेते हैं जिसके वजह से उनके बाल खराब हो जाते हैं, बाल टूटने लगते हैं और ब्ला 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 बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. क्योंकि गाइस आप सबको पता है कि पुराने जमाने में दादी लोग हमारी चंपी करने मतलब करती थी, जिससे कि क्या होता था, हमारे जो बाल थे वो बहुत स्ट्रांग होते थे एंड काले घने होते थे. एंड ये बात भी है कि हेयर ऑयलिंग से हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, बहुत काम बहुत शांति मिलती है हमें उससे. तो फिर चलिए देख लेते हैं कि पहले ऑयल कैसे बनाते हैं. सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो ये देखिए कैसे ऑयल प्रिपेयर करना है. तो मैं ये कोको ड्यू वर्जिन कोकोनट ऑयल ले रही हूँ. आप कोई सा भी ले सकते हो ऑफ योर चॉइस. मैंने ये छोटे बाउल में अपने हेयर लेंथ के हिसाब से ऑयल ले लिया है एंड इस बड़े वेसल में उसे रख दूंगी. इस बड़े वेसल में गर्म पानी डाल दिया है मैंने पहले से ही. इससे क्या होगा, आपकी जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी. एंड ऑल्सो कीप चेकिंग, आप बार बार चेक करते रहिए कि कितनी गर्म हुई. 4 to 5 मिनट्स के लिए गर्म कीजिए, देन योर ऑयल इज रेडी. सबसे पहले आपको आपके हेयर को डीटैंगल करना है अच्छे से विद द वाइडर साइड ऑफ द कॉम्ब. इससे ऑयलिंग करते वक्त आपके बाल टूटेंगे नहीं एंड हेयर फॉल भी नहीं होगी. देन मैं इस तरह से ये ऑयल लेकर अपने हेयर में सेक्शंस बनाते हुए धीरे धीरे अपने फिंगर टिप से मसाज करूंगी. सो इसी प्रोसेस से मैं अपने पूरे स्कैल्प में ऑयल मसाज कर लूंगी इवनली. मेक श्योर टू अप्लाई इट एट द बैक ऑफ योर हेड ऑल्सो एंड कान के पीछे हर जगह. मेक श्योर कि आपके पूरे हेड में जो है वो कवर हो जाए. गाइस कोकोनट ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक इट मॉइस्चराइजेस ड्राई एंड फ्लेकी स्कैल्प. अगर आपकी स्कैल्प जो है वो ड्राई है एंड आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये उससे भी दूर करती है. एंड अगर आपके हेयर ड्राई एंड डैमेज्ड हैं तो ये उससे भी शाइन एंड स्मूथनेस प्रोवाइड करती है. ये बहुत ही अच्छा ऑयल है फॉर अ गुड हेयर मसाज. गाइस आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, अच्छा है, लेकिन मैं कोकोनट ऑयल ही प्रेफर करती हूँ. देन मैं अपने हेयर लेंथ पर भी अप्लाई कर लूँगी अच्छे से. गाइस रूट टू टिप आपको अप्लाई करना है. मेक श्योर आप बहुत अच्छे से अपने हेड को मसाज दो. देन मैं अच्छे से हेड को मसाज करूँगी. इससे क्या होता है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो बढ़ जाता है एंड आपके रूट्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है. एंड बीच से जो बाल टूट जाते हैं उसके बाद स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है. गाइज ये प्रोसेस जो है ना मैं हमेशा रात को करती हूँ, मैं दिन में कभी नहीं करती. रात को करके मैं सो जाती हूँ बिकॉज मेरा मानना है कि रात भर अगर तेल आपके सर में रहता है तो तेल का पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हो. लेकिन सुबह करने से क्या होता है ना, 2 घंटा 3 घंटा रखते हैं. वैसा ऐसा नहीं बोलते कि 2 घंटा रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा ऑब्वियसली होता है, बट रात को अगर आप करके सोते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है. आपकी नींद बहुत अच्छी होती है, आपको कामनेस फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से नींद आ जाती है. देन मैं इस तरह से अपने बालों को आगे कर लूँगी, पीछे के हेड के सेक्शन में भी मैं अच्छे से अपने ऑयल को अप्लाई कर लूँगी. मेक श्योर कि पूरे हेड में आपके अच्छे से ऑयल लग जाने चाहिए. गाइज अगर आपके फ्रंट हेयर लाइन से हेयर लॉस होती है देन आप ये ट्रिक अप्लाई करें. ये मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ. दिस इज फ्रॉम ओरिएंटल बॉटनिक्स. ये 99.9% जो है सेफ है एंड बहुत ही प्योर भी है. देन अच्छे से अपने सामने के हेयर लाइन्स में मसाज कर लूँगी इस तरह से. थोड़ा सा ले लीजिए, अच्छे से अपने सामने के हेयर लाइन्स में अप्लाई कर लीजिए. इससे क्या होता है, आपके जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे एंड हेयर फॉल रुक जाएगी. गाइस ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है. अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा जेल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नॉर्मली ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं है. सो गाइस बहुत अच्छे से मैंने ये हेड मसाज कर ली है. अब मैं इसे क्लचर से या फिर रबर बैंड से टाई करके सो जाऊंगी. आप चाहो तो आप ब्रेड बना सकते हो, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है वैसे बना सकते हो.
तो ये मेरा हेड मसाज हो गया कंप्लीट। आई कीप इट ओवरनाइट एंड सुबह मैं शैम्पू कर लूँगी। एंड अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते तो एटलीस्ट कीप इट फॉर 2 to 3 hours, देन वॉश इट ऑफ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बहुत ही जल्द मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ। उससे पहले डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम नेम है चॉकलेटी लीसा लव्स, जो कि आपको आपकी स्क्रीन में दिखा रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।